जो भी बीमार है सब। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब खैरियत से होंगे। तो और मोहम्मद ने भी शोर मचा दिया हुआ कि दूध दे दो। अच्छा अच्छा मैं देती हूँ देती हूँ। मैं धीरे से निपल निपल क्यों देखा उसका फीडर का आपने? नया फीडर का ना निपल है, नसीम का भी रोज है, मेरा भी रोज है, पदम का भी रोज है। पदम तो आज ऐसा सोए कि उसके बाद उठे ही काम पे ही नहीं गया आज। मैंने कहा आज क्या हुआ, तो बस आंख ही नहीं खुली, बस यही सांस पे रहेगी कि मुझे कॉल आ जाएगी। उन्होंने भी कॉल ना की, फिर भी सोए गए। मैंने तो चले लेटे थे, फोन से तो नींद पूरी कर लेना। जी जी कैसा बात हुआ रखा वो दे दो मुझे जी। तो फिर हमने नहीं है जी साग, अब पालक बात तो ज्यादा नहीं है ना सिंह, डाल देना। अच्छा होता है, डाल दो साग है। अच्छा अच्छा ओनो भी चढ़ना है, ओनो दो दिन। अच्छा चलो बैठो। तो पापा जी भी उड़ गए इधर। हाँ जी हाँ जी। तो ये ना पानी डाल के नहीं, मैं वहां पे मैं सफेद चने बना लूंगा। पापा कह रहे हैं जो दिल करो वही बना लो। आपसे तो लेके गई थी 20 रुपए भी। धूप में लग लेते ठीक है ना, गन्ना खा के बना पका लेते हैं। शाम को अफ्तारी का जैसे ना काम अभी अभी से करना शुरू कर देते, थोड़ा थोड़ा सा तो मुकम्मल हो जाएगा। साग काट साग इसलिए भी है कि चलो कोई नहीं फिर काम आ जाए, बंदा पका के रखा सही हो गया ना। अब बोला भी नहीं जाना, रोज है ना आपका भी पापा का, अगर बोला भी नहीं जाना। ए वतन के शहीद जवान हैं जनाब, उठ गए हो गई आपकी सुबह। अच्छा जी हुसैन आ गए, कौन कौन आया है? सवेरा भी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? चलो नसीम ने रोजे के साथ ही मशीन लगाकर कपड़े भी सारे धो दिए हमें, तो देख लेंगे। धूप है बड़ी कड़क कड़क, आज तो धूप में चाहते हुए भी नहीं बैठा गया जी। मैंने कहा तो धूप में चाहते हुए भी नहीं बैठा गया, मैंने कहा तो धूप में चाहते हुए भी नहीं बैठा गया। पंखे चल रहे हैं आज तो, रात पंखा चला है जिसकी वजह से मुझे ठंड लगी। हाँ जिसकी वजह से ठंड लगी, फिर आप सो गए है ना, गर्मी लग रही थी। इतने मच्छर थे, मच्छरों ने काट काट के बुदाल किया हुआ था। सवेरा बैठ जा बेटा, तो खाला बैठी है जी, इस टाइम काट रही है जी साग, और साथ में लगी है जी एक अदद नसीम। अपना वो गार्डन चेक करा दो अपना। जी मैं वो गार्डन भी चेक कराऊंगी अपने बहन बच्चों को। जो गार्डन तुमने कल खरीदा है ना, वो मैंने कल कितना दिन पहले खरीदा था? एक गार्डन, ये गार्डन आपने खरीदा था तकरीबन 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, जब आप खा के लाए पूरे 2 महीने पहले। खाला दे दो खुदम दे काम ने, और मैं घर जा बैठो तेनु रोजा लग जाना। खाला तो रोजा नहीं आज? चलो पापा नहीं रोजा है, नहीं रोजा नहीं खाला का। बच्चिया का खाला वो
बच्चिया का सारे का दोष है तुहाडा तुहाडा नहीं है। अच्छा अच्छा अल्लाह ने जान देनी झूठ बोल के की लाना। अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल तो ये बैठ के अपनी आपी की गोद में और ये जी यहाँ बैठे मुझे लगे जी साग काटने काटे जी साग। खैर से जो है ये क्या बना रही हो तुम? जाहिरी बात है बच्चों ने खाना तो है ना। चलो कोई नहीं बना लो तुम। चने मेरे ना भिगो के रखे हुए ना। अच्छा उसका क्या करना है जी? सफेद चनों का क्या करना? कुछ भी नहीं बनाना। चना चाट किस तरह बनाओगी? इतने को चने थोड़ी है। पाइया चने उसका सालन भी बनाओगी चना चाट भी बनाओ। नहीं नहीं मैं अच्छा सालन बना लेना। सालन भी बना लूं मैं फिर वो अपने लिए ले लेना तुम चने ना। अपने लिए ले लेना आपके लिए ले लेना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अंडा हो गया जी तैयार? हुआ तो नहीं है मगर आपने कर दिया है। हाँ जी हो गया तैयार जी। कर क्या दिया? हो गया तो ना क्या जलाना इसे रबड़ का करना है? रोटी मैंने आगे बना के दी है। आया ठीक है अच्छा अगर बंद किया होता ना साथ में भी तो है। क्या रखने साग कट तो गया है ना। धुलेगा भी तो अभी तो बड़ा काम पड़ा है। धुलेगा अफ्तारी में ये बनी तैयारी होती है सारी हैं? अफ्तारी की तैयारी अभी तो होती है सारी। अभी तो टाइम है अफ्तारी में भी है बेशक टाइम है लेकिन लगेगा तो होगा। हाँ 3 बजे शुरू हो गया अफ्तारी। 3-4 बजे का शुरू करनी पड़ेगी तुम्हें। जी चलो ठीक है मैं करा। ठीक जी मैडम। देख रही थी मैं पानी तो दिया होता जीरे कपड़े सूखे हैं। मैंने कहा वो उतारू उतार के जनसन अंदर ये कपड़े उतार लो इधर से बकरी खींच लेगी नहीं तो पहले बकरी वो खींच लेगा ना सलवार से। ये कैसे लगे बाजी में सेंक आते हैं ये कपड़े धोकर लेंगे बाजी में सेंक सरफ सरफ ऊपर ऊपर है। हाँ अगर जब मैं कह दूंगी फिर कह देती नहीं आप झूठ बोल रही थी। कैसा कैसा जरा आंटी ने सेंक लाना बुला के पानी में से ना सही उन्होंने आना नहीं है आना नहीं है। ये रहा ये देखिए सारा सरफ यहाँ भी नजर आ रहा है। ये देख ले ये सारा सरफ ये देख इसके कैक्शा के कपड़ों पे पड़ा हुआ सर। बस वो है ना वही काम होता है। वो कई बार ऐसे किया है मैंने कई बार समझाया कि पानी में से निकाल लिया कदर ना निकाल सकते। मेरी शर्टों में मेरी पैंटों में अक्सर सरफ होता है। जी जी नहीं मैं कपड़े कह दूंगी भी कपड़े मैं खुद धोया करूंगी। कैसे धोगी? मैं धो लिया करूंगी। इसीलिए बच्चों के ये देख लिया बच्चों के जिस्म पर खाली शब्द सारा कुछ ये एलर्जी इसी वजह से भाई इसे पानी से निकाल दो तुम। नहीं मतलब पानी से तो निकाल लेते सही तरीके से। और ये इसका भी नहीं धुला हुआ सही है देखना। जी जी ये धुला हुआ भी नहीं है सही सारा गंदा हुआ हुआ है सारे सरफ में ऐसे झड़ रहा है जैसे कोई मुंह पे भर-भर के सरफ डाल दो। 2 किलो सरफ लाया था मैं वो तो 3 किलो सरफ में पा लेती है।
हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं करती हूँ जी जी जी। फिर धोनी पड़ गई, सारे धोने पड़ गए। हाँ जी चले, मैं फिर ऐसा करता हूँ मोटर चला देता हूँ। मोटर चला क्या करना है, इधर देखिए कपड़ों में छोटे के कपड़ों में। यहाँ भी सरफ है ये रहा, अच्छा की सलवार नजर नहीं आ रही, सारी सर्फो सर्फी ही पड़ी है। वो कपड़े हैं उसमें जो रंगीन कपड़े मतलब ऐसे हैं जिनमें सर सरफ मौका है, मैंने कहा सरफ मौके तो पता की बात नहीं है। अब देने से सरफ निकल गए कंटों में से निकल रहा है, ये देख ले। हां मैंने पहले भी इनको 5-6 दफा कहा, एक दफा नहीं कई दफा कहा। असल में हम पानी से निकालते 3-4 दफा, एक दफा निकालती और बस के निकल गई। हम अच्छी तरह निकालते हैं सरफ वगैरह ना, ये नहीं निकालती सरफ। अच्छा पैसे के ये देख रहे? हाँ जी, ये सरफ ही सारा पड़ा हुआ है उसमें। ऐसा क्या क्या कह रही हो? हाँ हाँ सब नजर आ रहा है जी बाबा। जब पानी में से कपड़ा सही निकलेगा ना, सरफ के साबुत ऐसे ही सारे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो पानी में से आप निकाल कर देती थी ना, पहले मैं लगती हूँ साथ। हाँ। आज उसे लगा नहीं गया था। चले सालन तो मैंने पका लिया है, बस उसमें से धनिया डालने वाला है। बन गया सालन? जी जी सालन तकरीबन 20-21 मिनट ठहर के तैयार है। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो ये चने हमारे जी चने चाट मेरे बेटा लग गए बनाने। तो आप मोबाइल जो ना खत्म करने, मेरा मोबाइल लेके अपना पर्स कर भूल गए। वहाँ पे जाके चीजें जब तुलवाई तो याद है, जब पैसे देने लगे आलू का तुलवाए तो कहने लगे हम तो पैसे कल भूल गए। फिर कहने लगे आपका मोबाइल रखा, मैं जनाब आप मेरी वीडियो बना देते ऐसे कैसे आपने ना जेब में डाल दी। कह रहे अच्छा फिर आप गए मोबाइल में तो देखे मुझे आप पता चले कि क्या सब्जियां जो हमसे ली थे ना वो उठाने के लिए गए। तो ये जी हम ये मैंने कहा थोड़ी सी ये इसका भी टच दे दो जी मकलोने का ना, मैं तो अच्छी लगती है ये देख लेती हूँ। और असर के जान भी होगी इंशाल्लाह, फिर आपसे ना नमाज के बाद ही मिलते हैं। यहाँ पर लेकर आए जी खीर, मैंने पूछा किसने बनाई है, कहते हमारे सामने वालों ने। अच्छा इधर दे दो कैक्शा मेरा बेटा, ये निकाल के ना प्लेटें धो के दे दो जी। आपकी तो नहीं प्लेटें ये? अच्छा मैंने कहा चलो आपके लिए तो बाद में दे देती। आ जाओ तो जनाब उसे लेके अंदर चले गए हैं। अच्छा तो ये प्याज? हाँ जी प्याज भी, अदरक भी, लहसुन भी, टमाटर भी, कैसे में रखना? अच्छा यानी कि माह रमजान से पहले ले लेते तो चीजें तो सस्ती थी। अभी रात मैंने सेब पता किया था 160 रुपए किलो था, आज पता किया तो 240 रुपए किलो। ला हद चले जी सालन यहाँ पे रात पता की थी वो ऐसी मोटी मोटी साइज की स्ट्रॉबेरी थी 100 रुपए पाव आज जो चले जी। यहाँ पे मैंने इमली रखी है। सर ये क्या रख लिया इसमें? मैंने वो इमली रखी है। क्यों? चना चाट के लिए। अच्छा मीठा, अच्छा मीठी वो, ओ हो मिक्स खट्टी मीठी, खट्टी मीठी चटनी बना रही हो। अच्छा माशाल्लाह फ्रिज में रख दे। ये तुम्हारे से घर में आज से 4-5 साल पहले 4 साल पहले बनी थी, लेकिन हमने खाई भी थी, दी भी थी सबको ही, दी थी हमने खाई भी थी, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी सी बची वो खराब हो गई लाइट जाने की वजह से, है ना? तो ऐसे कि मैं आलू ना रखना फ्रिज में क्या? आलू नहीं। तो जी ये आज हमारी मैडम ने जो है चने और मकरोनी की जो है एक रेसिपी वो बनाई, और साथ ही ये जो
जो है चने तो हमारे वैसे भी बन चुके, इसमें सब धनिया डाल दें। आज हमने वैसे भी घर में बनाए हैं चने, चिकन में लाया था इनको पकाने के लिए, तो वो कहती कि भाई नहीं मैं चने पका चुकी थी, मैंने चलो कोई नहीं। हाँ मामा किसके, इसके नीचे नमक भी डलता है जी। कैशर आपने पानी मंगवाए? पता नहीं बेटा। किसके लिए पानी मंगवाया? हाँ जी इसमें मैंने पानी मंगवाया था, क्योंकि मैंने रखने अभी आलू भरने के लिए। सिर्फ आलू ही रह गए डलने वाले जी? सिर्फ आलू ही रह गए डलने वाले। हाँ जी मिर्च थोड़ी तेज रखनी है, हल्की हल्की चना चाट में। हाँ हल्की बाबा चटपटी मजे की लगती है, आज रोजा है पहला रोजा है, ऐसा ना हो जलन हो जाए, मेदे शुरू में ही खराब कर लोगे तो बाद में क्या करोगे। हिम्मत खैर हिम्मत तो रोजा तो मैंने नमक मिर्च और इसमें मिलाया है, चीनी। ये आग उस तरफ भी जला ली है, अभी रोटी भी रहती है बननी, अभी पानी रहता बनने वाला, जाने से भी इस दफा ना आगे ना दे सके। कोई चादर में बहुत है, बहुत है बहुत है, इनको उतनी बनाओगे हमने। हाँ बस ये कि थोड़ी सी भजन सिंह को दे दूंगी। जामे शीरी नहीं बनानी? जामे शीरी नाप लेके आए हम बनाऊंगी सर, वो नींबू पानी बना लो। अच्छा लीमू तो आप लाए? लीमू ले आता हूँ अभी, यहीं से मिल जाएंगे, तो दो लीमू ले आता हूँ आज, बस बहुत है। टैंग ले आऊँ? हाँ चलो ये, चलो ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, टैंग ना टैंग ले आता हूँ, मैंगो वाला या दूसरा। टैंग को दूध के साथ बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ये कौन सा तरीका? दूध के साथ कौन सा तरीका? मेरे पानी है कैसे मिट्टी कम गया ना करती ना मुझे ऐसे काम किया है जो आप मुझे काम आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं। जी जी चलें कोई बात नहीं, आपका दिल चाहेगा ना टैंक में दूध डाल के खुद अकेले पी लेना बस भाई। आपकी क्या टैंक में कौन दूध डाल, हम डाल के पीते हैं ना, रोजे के साथ ना सर को पा लेना। ये ना मुझे पागल बना रहे हैं, मैं पागल बन जाऊंगी लेकिन मैं को पागल। अच्छा वो मैं ना वो देखता हूँ आइसक्रीम सिरप, मैं इनकी बात हाँ में हाँ मिलाती हूँ, आइसक्रीम सिरप देखता हूँ। अच्छा कोई इसका अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई और चीज ले आता हूँ। दूध से दूध से करते हैं रोजा से अफ्तार सर, नहीं पानी से, पानी से करना है। चलो ठीक है फिर मैं टैंग ला देता हूँ, मुझे टैंग ला दे आप अपने। नहीं बस रहने दो, फिर हम जब अकेले अकेले बंदे की फरमाइश थोड़ी होगी, एक ही चीज बनेगी जो सबके लिए बनेगी, मुर्शद ने कह दिया वही चीज, तो वही चीज बनेगी वो। तो ये चीज़ आपकी पसंद की नहीं है? चना चाट काले सफेद चने, तुम्हें पता है मैं अफ्तारी में भी रोटी खाता हूँ, तो रोटी नहीं बनेगी क्या? रोटी खाता हूँ ना सालन से ज्यादा मैं, अलग है तुम्हारे सामने ये कभी भी पकौड़े समोसे इतनी चीजों की कोई न चाहत होती ना खाता इतनी। वो अभी डालने वाले हैं क्योंकि धूप जा चुकी है अभी, हमने कहा जो हमारे जरूरत जो मेरे कपड़े कम से कम वो मुझे मिल जाए, इसके तो बाद में भी सूख जाएंगे। अच्छा यार वो नीचे गिर गई, हेलो अभी तो वही सदफ है, कोई मोटा पतला नहीं है, कह रहे सिर्फ मोटा है। हाँ खा ज्यादा लिया ना सरफ ने, गीले अभी गीले नहीं, मैं देखने में नजर आ रहे हैं नहीं है सरफ भाई, सारा दुबारा पानी में से निकाल दे। चले चले कोई नहीं कोई नहीं, फिलहाल जो है छोड़ दो अभी इसे, ये कर लेते हैं बाद में, ये इसे पकड़ो जरा तुम। कपड़े हम कोई नहाए हुए? अच्छा जी जाने जी जाने सब तो ये जी धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ, और इसे ये तो जैसे मजे आलू। अच्छा देखे मम्मा भी कैसे बैठ के जाएगा आगे, जी मेरा बेटा आगे बैठ के जाएगा।
आंटी भी आ गई। कौन सी आंटी? आंटी नसीम। आंटी नसीम? हाँ जी। वाह जी वाह, सुना वल्ला ले। क्या पका रहे? रोजा लग रहा सारो भाई। रोजा लग रहा दही काशे से दही लगते हैं। फ्रिज में रखा हुआ? फ्रिज में रात को मैं खा गया था। बचा के रखा करो दिन के लिए ना, लेकिन मुझे चला चार में भी से दूध थी। हम बना रहे हैं चना चाट। मैंने सालन बना लिया चने, साथ में हो जाएगी चना चाट। आलू उबल रहे हैं। मैं माँ रमजान में मिलेंगे तिखे खाने खाने, मतलब मैंने तो कम किया है जी। तो ये जी पुदीना, बैठ जा। पापा लेने गए हुए थे, मेरी तो रह गया बस रोटी बनाने वाली, अब पानी बनाने वाला। ना मुझे मना कर दे, मैंने कहा नहीं नसीब, पता मेरे गले को ऑपरेशन हुआ हुआ ना, मुझे बहुत बता दो। हम तो बना रहे टैंक, नंद का टैंक लेते हैं। तो इसमें मैंने ना वो इमली की चटनी वो भी इसमें ऐड कर दी है। अच्छा। काली मिर्च भी, और इसमें चाट मसाला ये भी डाल दिए। और ये पुदीना भी इसमें ऐड किया मैंने, दही भी किया है। अच्छा, पुदीना भी ऐड किया है? जी जी, पुदीना भी है और दही भी है, धनिया भी है, पुदीना भी है। धनिया नहीं है? पुदीना, पुदीना, प्याज, प्याज नहीं, आलू। फिर नमाज पढ़नी होती है मगरिब के बाद। चलो बाबा लड्डू, ए कपड़े चेंज करवाने हैं अभी ना। ए लड्डू, ये दही से लड्डू कभी देख लो। ये तो मेरा बस चिपक है, ये चिपक मेरे से लगी रहेगी अभी, ये जो है ना मेरे साथ ही रहेगा अभी। हाँ ठीक हो गया जनाब, मैं छोड़ देता हूँ प्लेट। हाँ लेते हैं, बस पानी बनाने वाला, रोटी पकाने वाली। अच्छा, बाकी मैंने वो दोनों मैंने करने हैं जी, वो दोनों काम मैंने करने हैं। पानी आपने बनाना, रोटी मैं बनाती हूँ। चलो फिर मैं पहले पानी ही बना लूँ, पानी बना के फ्रिज में रख दूँ। ठीक है, खाई तो जाती नहीं है, तो खुद हम यहाँ चना चाट वगैरह ऐसी चीज तो खाते नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने खाना ही खाना होता है। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी भी बना दू साथ में। सालन तैयार हो गया, चना चाट तैयार हो गई, बस रह गई तो हमारी रोटी, ये भी अभी तैयार हो जाती है। चलो ये रख दो, फिर फ्रिज में रख दो। हाँ जी फ्रिज में रख दो। ठीक है, देखना बहुत है तुम्हारे की। मेरे सबने पिया को लेने के लिए? नहीं यार, मैंने बनाया थोड़ा ही है ना। बहुत है इतना, मैं और मम्मा ही बहुत है। यहाँ किसको लग रही है? बहुत है, मैं हूँ भाई है। आप आपने नहीं पीना जी? पापा तो मीठा है। जरा कैसे चेक करना थोड़ा सा? और जो खाना मीठा तेज होगा इतने डाले, दिखाओ तो सही। थोड़ा थोड़ा सा देना जरा, चुप चले खाना। मीठा बिल्कुल सही है, मीठा सही है। चीनी है? क्या कह रही है? कह रहे चीनी डाल दो।
टाइम भी मेरे ख्याल से आधा घंटा रह गया, आधा घंटा। चलो कोई नहीं, बस यही तो रह गया आधा घंटा नहीं, 20-25 मिनट का। कोई नहीं, तो दस्तरखान वगैरह लगाएंगे, उनकी मुकम्मल करेंगे दस्तरखान के। ठीक है, फिर मैं लगा लूँ दस्तरखान। ठीक हो, चना चाट, इधर रोटी रखी हुई है, यहाँ पे खीर को तुमने रख दी हुई है, और इधर खजूर। पानी जो सब भी ज्यादा ठंडा नहीं करना, पानी ज्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं ज्यादा ठंडा नहीं करना। ऊपर रखा है मैंने, नीचे तो मैंने का पता भी नहीं चलेगा। तो शाम आने वाली है जी, आज हमारा पहला दिन अफ्तारी का, आज मैं रमजान का पहला दिन था, हमारा पहला रोजा था, पहली अफ्तारी हमारी। अल्लाह ताला हमारा ये रोजा रखना जो इंसाना हमारा कबूल करे, आमीन। जी जी, क्या खराब हो गया? क्या कह रहे? पता नहीं, पापा भी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया। अब फ्रिज ठीक हो गया है, क्या हुआ है? फ्रिज वाले को जी जी, क्या करना है इसमें, क्या करना है? चने डालने लगा था, सालन गर्म करना पड़ेगा जनाब। अभी तो मैं गर्म कर लेती हूँ ना, वो ऐसे कि मैं बाजी मशीन के पास भेजू थोड़े से ना, कल डाल दोगे? अच्छा ना, मुझे दे दो, इधर मुझे दे दो इसे, और इसको छोटे। हाँ भाई, क्या बात है? आप खाओगे अभी बीच में आदमी ना आदमा देते मेरे बेटा। बुरी बात है जी जी, मैं खजूर भी रख के भेज दूंगा, क्या अच्छा नहीं होती है। तो आज हमारा पहला रोजा, पहली सहरी सुबह, आप देख चुके आज हमारी दूर है पहली इफ्तारी। ए मेरे अल्लाह, जो भी बीमार है सबको शिफाई का अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, आमीन। और बेघरों को घर अता फरमा, आमीन। ए मेरे अल्लाह, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अम्मा बाबा आदम अलैहि सलाम से लेकर, ए मेरे अल्लाह, तमाम की बख्शिश फरमा, आमीन। हम गुनाहगार हैं और हमने लौट करके शक तेरी तरफ ही आना, हमें सच हक और अच्छा रास्ता सीखा, हमें पे चलने की तौफीक अता फरमा अच्छे रास्ते पर। और ओन मोहम्मद भी बैठ गया, मेरा ओन मोहम्मद को भी मेरा फरमा बरदार बनना, मेरी कैक्षा को भी, मेरे ओन मोहम्मद को, इस छोटू को भी हमारा बरदार बनना। ऐ मेरे अल्लाह, फिर कहूँगी जितने भी बीमार हैं इस दुनिया में सबको शिफाए कामिल अता फरमा। तो ये अफ्तारी का टाइम भी और हमारा इंशाल्लाह फिर अपने मेरे भाइयों से बाद में मुलाकात करेंगे जब हम अफ्तार करने जाएंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज।